लोकसभा चुनाव को देखते हुए फाजिलका जिले में सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं। जिले में सुरक्षा बलों की 3 कंपनियां भेजी गई हैं, जिनमें तमिलनाडु पुलिस और अर्धसैनिक बल भी शामिल हैं। शुक्रवार को सुरक्षा बलों ने फाजिलका में फ्लैग मार्च निकाला और मतदाताओं को बिना किसी भय के मतदान करने की अपील की। पंजाब में 19 मई को अंतिम चरण में मतदान होगा। सुरक्षा बलों द्वारा नाकाबंदी करके वाहनों की चेकिंग भी की जा रही है, ताकि ऐतराज योग्य नकदी और अन्य सामग्री की मूवमेंट को रोका जा सके। आइए जरा सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में पुलिस अधिकारियों की बात सुन लेते हैं। इलेक्शन दे दिन है, लोगों नू उन्हां दे विच आत्म विश्वास की बहाली लई ए एफर्ट्स है, उपराला है, ताकि लोग बेफिक्र होकर अपना वोट पाउण लई जाण। एक सरकार का उपराला है, साढ़े वालों एफर्ट्स किए जा रहे हैं लोगों में विश्वास पैदा करन लई। बाहर तो भी है, लोकल भी है, सारी किया जा रहा है। अबोर भी है, साढ़े जलालाबाद भी है, तीनों चारे सब डिविजनों के फ्लैग मार्च बकायदा किया जा रहा है। फाजिलका वासियों यही है भी अमन शांति नाल रहन, भ्रातरीपना बहाल रखन, आत्म विश्वास रखन, माड़े आंसरां नूं नत्थ पाउण लई, तां कि कोई शरारती बंदा शरारत ना कर सके। इस काम लई सारे एफर्ट्स किए जा रहे हैं। इलैक्शन नूं लैके बहुत सुरक्षा प्रबंध बहुत सख्त किए गए हैं साढ़े वालों। हर चीज़ का ध्यान रखा जा रहा, लोगों की सुरक्षा का भी, लोगों च आत्म विश्वास का भी। तो नाकेबंदियां बकायदा सारिया कीतियां जा रही ने, फ्लैग मार्च भी इस करके किया जा रहा। पुलिस आने वाली लोग सभा दोणों मद्देनजर रखते हुए लोगों के सुरक्षा की भावना पैदा करने ये फ्लैग मार्च फाजिलका पुलिस वालों कढ़ा जा रहा, ताकि लोग अपने आप नूं सुरक्षित महसूस करन। कोई माड़ा साढ़े को पैरामिलिट्री फोर्स भी आई हुई है, साढ़े को तमिलनाडु की पुलिस भी आई हुई है, वो हबोर दे विच ने, ते इस तरह जलालाबाद विच ने जिहड़ी पैरामिलिट्री फोर्स आई हुई है। साढ़े को 3 कंपनियां ने, जिहदे विच हर कंपनी विच करीब 100 जवान है, इस तरह 300 जवान साढ़े को जिहड़ा वो है। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में दर्ज कराएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबा दें, ताकि हमारे हर एक नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद।